एरर्स एंड एनालिसिस में सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 ये मैंने ट्राई करने को दी थी। एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं, कितने लोगों ने ट्राई किया? ठीक है, तो इसके डाउट्स लेते हैं, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को इसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों का हो गया ये? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, कितनों को डाउट है? है तो हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये 2? ओके। बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ, तो आपको क्या गिवन है? एस और डेल्टा एस, टाइम टी और डेल्टा टी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि मेरे को मेरा आंसर किस फॉर्म में निकालना है? वी प्लस माइनस डेल्टा वी, तो इस फॉर्म में निकालना है। तो इस फॉर्म में निकालने का मतलब आपको पहले करेक्ट वैल्यू निकालनी है और साथ में उसका क्या निकालना है? एरर भी निकालना है। तो आप एक काम करें, करेक्ट वैल्यू और एरर दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो अगर आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो s की करेक्ट वैल्यू कितनी है? 13.8, और टाइम की करेक्ट वैल्यू कितनी है? 4। तो 13.8 डिवाइडेड बाय 4, 3.45। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपको एरर निकालना है तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो एरर के लिए डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा s बाई एस प्लस डेल्टा t बाई टी। तो यहाँ से डेल्टा वी निकाल लें, वी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 3.45, तो यहाँ पर पुट कर दिया। डेल्टा एस पता है, एस पता है, डेल्टा टी पता है और टी पता है। तो डेल्टा एस एस डेल्टा टी टी, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करके डेल्टा वी आ जाएगा। तो वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दिस इज़ द आंसर। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। ठीक, ओके। नेक्स्ट, उसने बोला कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद, ओके, उसने ये भी पूछा व्हाट इज परसेंटेज एरर। ओके, मैंने नहीं निकाला तो मुझे निकालना चाहिए था एक और पार्ट। तो मुझे इसमें से अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो देखो मैं क्या करूंगा। फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज एरर, ये क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट एरर। तो 0.308 को डिवाइड करूंगा 3.45 के साथ और मल्टीप्लाई करूंगा 100। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा इसका परसेंटेज एरर होगा 8. जो भी है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? राइट, तो ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, सिंपल एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, परसेंटेज एरर भी निकालना है, आंसर। ठीक, क्लियर है? तो गूगल ड्राइव शेयर हो जाएगी। मैंने बताया था कि जो असाइनमेंट्स मिलती हैं वो मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो गूगल ड्राइव, आज तभी गूगल फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे जिसका नहीं सबमिट हुआ, सबमिट करेगा। अभी लिस्ट आ रही है जिनका नहीं सबमिट हुआ, तो गूगल ड्राइव पे सारी शीट्स एज इट इज चली जाएंगी। तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, मतलब अगर आप अभी नहीं कॉपी कर पा रहे या आप नहीं लिख पा रहे या बाद में रेफ़र करना चाहते हो तो ये सोल्यूशन बाद में आप रेफ़र कर सकते हो। राइट, तो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट कितनों का हो गया? 3 हो गया। 3 में कितने लोगों को डाउट है? डाउट है एक्स की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी गिवन है। तो परसेंटेज एरर को लिखना कैसे है? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर गिवन है ए में, बी में, सी में और डी में, जिसकी वैल्यू 2%, 1%, 3% और 4%। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपको परसेंटेज एरर किस में निकालना है? एक्स में। तो एक्स में निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है, आप इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं। क्या एक्सपोनेंट का रूल? डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाय डी, और 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आपको ए में परसेंटेज एरर गिवन है कितना? 2%। बी में गिवन है परसेंटेज एरर कितना? 1%। सी में गिवन है कितना? 3%। और डी में कितना गिवन है? 4%। यहाँ वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, 12% आंसर है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, हो जाएगा सॉल्व ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर मैं एक बार डिस्कस भी करना चाहता हूँ, हालांकि मैंने शीट में ये करके भी दिया था, लेकिन इसमें एक ऐसा एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। वो क्या, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस वो दे रहा है। वो ऑब्जर्वेशन में क्या दे रहा है कि वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है, और स्मॉल जी की कैलकुलेशंस करने के लिए वो फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहा है, वो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो ये फॉर्मूला वो यूज़ करेगा जिसमें वो स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब वो क्या कह रहा है, इसमें एल, इसमें एल की वैल्यू कितनी है 90 सेंटीमीटर, और इसमें टी कितना है 36 सेकेंड। 36 सेकेंड कितनी वाइब्रेशंस के लिए, 20 वाइब्रेशंस के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है, लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि ये जो टाइम पीरियड है, जो सिंपल पेंडुलम का हम यूज़ करते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है एक धागा, नीचे मास एंड टू एंड फ्रो मूव करवाया, सिंपल पेंडुलम है। तो अगर कोई सिंपल पेंडुलम यहाँ पर है और वो यहाँ घूम के वापस आ जाए, अगर कोई सिंपल पेंडुलम यहाँ पर है और वो इधर गया और वापस आ गया, तो टाइम टेकन इज टी, टाइम टेकन इज टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमेशा कॉन्स्टेंट है, कैपिटल टी। यानी जैसे मान लो एक चक्कर दो सेकेंड में एक सिंपल पेंडुलम कवर करता है, तो ये गया और आया दो सेकेंड, हम एयर की रेजिस्टेंस लेते नहीं हैं, तो अगली बार जाएगा और आएगा टाइम टेकन फिर दो सेकेंड, अगली बार जाएगा आएगा टाइम टेकन फिर से दो सेकेंड। तो ये कैलकुलेट कैसे किया मैंने दो सेकेंड, ये फॉर्मूले से, मैं एल पुट करूंगा, जी पुट करूंगा, टाइम को टू सेकेंड आ जाएगा, राइट। अब जो मैं कहता हूँ टाइम पीरियड टू सेकेंड है, वो कितने चक्कर का है, एक, इसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बोलना, वाइब्रेशन बोलना, रोटेशन बोलना, एक ही बात है। तो एक चक्कर का, एक ऑसिलेशन का, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड दो सेकेंड है, राइट। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को टाइम गिवन है कितना, 20 वाइब्रेशंस का। मेरे को जो टाइम कैपिटल टी गिवन है या टोटल टाइम गिवन है कितना, एक वाइब्रेशन का नहीं, जबकि यहां पर कैपिटल टी कितने वाइब्रेशन का टाइम होता है, एक वाइब्रेशन का। मुझे कितने वाइब्रेशन का टाइम गिवन है, 20 वाइब्रेशन का। तो बनता क्या है, बनता तो ये है कि 20 वाइब्रेशन का अगर टाइम कितना है, 36 सेकेंड है, तो एक वाइब्रेशन का कितना होगा, 36 डिवाइडेड बाय 20। क्या ये बात मानते हो, एग्री करते हो, क्योंकि कैपिटल टी में तो एक ही वाइब्रेशन का पुट करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड है ही एक वाइब्रेशन का, तो कैपिटल टी की जगह क्या पुट करना चाहिए, 36 डिवाइडेड बाय 20, जो कि उसने कहा हमें। लेकिन साथ के साथ वो ये भी कह रहे हैं इन 20 वाइब्रेशंस का एरर कितना है, इस 20 वाइब्रेशंस का एरर है 0.1, तो फिर एरर को भी किससे डिवाइड करना चाहिए, बाय 20, जब जो ये जो टाइम पीरियड है 0.2, 0.2 को भी किससे डिवाइड करना चाहिए, 20। जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे, फिर एरर भी तो कम हो जाएगा ना, 20 कैलकुलेशन में एरर ऐड हो जाएगा, एक कैलकुलेशन में एरर उतना ही कम हो जाएगा। तो कायदे से अगर मैं यहां पर टाइम को डिवाइड करता हूं बाय 20, ताकि मैं एक चक्कर का टाइम कैलकुलेट कर सकूं, तो फिर एरर भी मुझे कितनी देर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक चक्कर का, जो कि क्या होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 20। तो आप कहोगे फिर कर दो, हाँ कर दो, बिल्कुल करना चाहिए आपको, लेकिन फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप यहां पर टाइम पीरियड लिखेंगे, आपको एरर किस में निकालना है, स्मॉल जी में। आप इसे स्क्वेयरिंग करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था, स्क्वेयरिंग करके स्मॉल जी को एक तरफ, टी स्क्वेयर को एक तरफ करेंगे, ये टर्म आएगी, और फिर जब एरर का रूल लगेगा, डेल्टा जी बाई जी, कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एल बाई एल, टू इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो जब आप यहाँ पर टी में पुट करेंगे 36 बाई 20, तो आप डेल्टा टी में भी क्या पुट करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाई 20। भाई जब इसको भी 20 से डिवाइड किया, इसको भी 20 से डिवाइड किया, तो अफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल, फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप न्यूमिनेटर की टर्म को भी 20 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 20 से डिवाइड करेंगे, तो अफेक्ट, फायदा ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा जो टाइम है वैसे का वैसा ही पुट कर देते हैं, एरर भी वही पुट कर देते हैं हम, इसमें टाइम 36 सेकेंड भी वही पुट कर देते हैं, हम 20 से डिवाइड नहीं करते। लेकिन कायदे से बनता ये है कि आप वन वाइब्रेशन का टाइम लें जो कि 36 डिवाइडेड बाय 20 है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूँ,
क्यों नहीं पड़ता मैंने बता दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस टर्म को भी 20 से डिवाइड, इस टर्म को भी 20 से डिवाइड, तो अल्टीमेटली अफेक्ट कैंसल। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो किसी ने पूछा भी था लास्ट टाइम कि सर वो 100 वाइब्रेशन था मेरी शीट में तो क्या फर्क पड़ा, 100 से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन फिर फर्क दोनों में पड़ता है, उसका अफेक्ट कैंसल। ना ना, आपको कुछ नहीं करना, इन शॉर्ट और शॉर्टकट हमने कुछ करना ही नहीं, हमें लेंथ पता है, डेल्टा एल पता है, हमें टी पता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेंथ को 90 लेंगे, हम डेल्टा एल हमें गिवन है, डेल्टा एल पॉइंट वन ले लेंगे, हम इसमें टाइम 36 सेकंड लेंगे और डेल्टा टी कितना लेंगे, 0.2 ले लेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, हमने एरर का रूल लगाया, हम जो हमें गिवन है एज इट इज पुट कर देंगे, डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा टी पता है, टी पता है, तो डेल्टा टी में स्ट्रेट वे 0.2 पुट करेंगे और टी में स्ट्रेट वे 36 ही पुट करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली वही आएगा। तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है डिवाइड बाई 20, यूज़ है ना, मैंने आपको बता दिया, वो अपने मन तक रखो, वो यूज़ है, अगर शो करना है तो गलती जरूर कर दोगे एक स्टेप में, पक्की बात है। ऐसा अभी तक तो आया नहीं, जिस दिन आएगा डिवाइड बाई 20 कर देंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप करना चाहते हो आप डिवाइड बाई 20-20 कर दो, कोई बात नहीं, मैंने मना ही नहीं किया, आप अल्टीमेटली वहीं लैंड करोगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में चाहिए हो कैपिटल टी फॉर वन टाइम पीरियड, फॉर वन वाइब्रेशन, फिर आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो तो देखो नहीं, अगर बाद में कैंसिल हो रहा है फिर तो यार यूजलेस एक्टिविटी है ना, 99% क्वेश्चन में कैंसिल ही होता है। अब सच बताऊँ, जितने मैंने क्वेश्चन आज तक ऐसे किए हैं सब में कैंसिल ही हुआ है, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं जिसमें कैंसिल ना हो, कैंसिल नहीं हुआ था उसमें, तो फिर वो कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्या लगेगा, बात खत्म, फिर उसमें रेशियो ले नहीं रहे होंगे, उसमें रेशियो नहीं लेंगे तो बात खत्म, जब रेशियो हो रही होगी फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट बता दिया, अब वो टूल बता दिया मैंने, कब कैंसिल करना है कब नहीं करना, अब इतना तो कॉन्फिडेंस रखो ना कि जब नया क्वेश्चन आएगा कैंसिल होना है कि नहीं होना, अब वो तो लिख के नहीं दे सकते ना आपको, ये लो इसमें कैंसिल इसमें नहीं कैंसिल, अब इतना कॉन्फिडेंस रखो तब की तब देखेंगे, इतने का टेंशन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कितने लोगों का ये आंसर आया इसका क्वेश्चन का? ओके, देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ना बस पहला पॉइंट ये था जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला गिवन है। क्या है यंग्स मॉडुलस? आपको इससे मतलब नहीं है, आपने क्या लेना यंग्स मॉडुलस क्या है, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपको मतलब ही नहीं है। आप वाई का फॉर्मूला लिखें, आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज एरर इन वेट इन एल आर एंड एल आर गिवन। परसेंटेज एरर इन वेट का मतलब डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100 गिवन है, परसेंटेज कैपिटल एल में गिवन है, परसेंटेज स्मॉल आर में गिवन है, परसेंटेज स्मॉल एल में गिवन है। तो सारी परसेंटेज लिख ली आपने एक साइड पे, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वाई। तो वाई का परसेंटेज एरर निकालने का मतलब क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। ये स्टेप भी क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? तो आप ये फॉर्मूला लिखें, आपको क्योंकि परसेंटेज एरर वेट में गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या टर्म यूज कर रहे हैं, एम जी, तो पहला पॉइंट एम जी को रिप्लेस करें वेट के साथ, एक ही बात है। ठीक है, तो W लिखें, तो एरर का रूल लगाएं, डेल्टा W बाई W, डेल्टा Y बाई Y, डेल्टा W बाई W, डेल्टा स्मॉल L बाई स्मॉल L, 2 इंटू डेल्टा R बाई R, डेल्टा कैपिटल L बाई कैपिटल L। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज एरर वेट में पता है, स्मॉल L में पता है, स्मॉल R में पता है, कैपिटल L में पता है, वैल्यूज आंसर। तो परसेंटेज एरर इन Y आ गया। अब आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, अगला पार्ट आपको Y निकालना है, आपको Y निकालना है, सॉरी आपको डेल्टा वाई निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, गलत लिखा है, एब्सोल्यूट एरर लिखो, वैल्यू नहीं, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन वाई, ये करेक्शन करो, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन वाई। एब्सोल्यूट एरर इन वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। तो आपको वाई की वैल्यू वो दे रहा है, ये देखो वाई की वैल्यू कितनी दे रहा है, 18.79 इंटू 10 की पावर 11। तो आपके पास ये तो टर्म आई गई, यहां पर वाई की वैल्यू आपको दे रहा है वो, यहां y की वैल्यू पुट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा y कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,
हाँ जी ठीक है यहाँ तक। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इसके इक्वल है और यहाँ पर वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा डेल्टा वाई आ जाएगा, राइट। कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट किसी का ना आया हो, आंसर आ गया ये, किसी को डाउट इसमें? ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। मैं सफिशियंट है ठीक है। ऐसी कितनी शीट्स हैं पता है, कई हज़ार क्वेश्चन है, किस किस की फोटो लोगे ले ही नहीं पाओगे, गूगल ड्राइव मेरे शेयर करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा है। ठीक तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये समझें। आप ऐसे मत करें कि मैं नोट कर लूँ, आप ऐसे करें कि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली किया क्या है इसमें। तो समझ में आ रहा है कि एरर का रूल लगाया इसमें और 100 से मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यूज इसमें गिवन है, वैल्यूज पुट करके क्या आ गया डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इनटू 100। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोगों को डाउट है इसमें 7th में? ओके। इफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको गिवन है, तो एरिया कितना गिवन है 100 प्लस माइनस 2, तो एरिया यानी कि क्या गिवन है, ए गिवन है और प्लस माइनस क्या गिवन है डेल्टा ए गिवन है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच साइड विद एब्सोल्यूट एरर, तो यानी कि एल प्लस माइनस डेल्टा एल। कितने लोगों का क्वेश्चन हो गया था? हो गया। देखो आप एक पॉइंट को समझो, आपको एल निकालना और डेल्टा एल निकालना, जो चीज़ निकालनी है उसे कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। फॉर्मूला बोलो एरिया का क्या है, एल का स्क्वायर स्क्वायर कर या एल स्क्वायर, निकालना क्या है ए नहीं निकालना, निकालना एल है, तो एल वाली टर्म इधर ए वाली टर्म इधर, अंडर रूट ले लिया तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एल का, अंडर रूट ऑफ एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको इसमें L भी निकालना है डेल्टा L भी निकालना है, तो आप एक काम करें, एक करेक्ट वैल्यू लिखें और एक एरर लिखें, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू लिखें और यहाँ पर एरर लिखें। तो करेक्ट वैल्यू में फॉर्मूला, एरर में फॉर्मूला, तो करेक्ट वैल्यू में A की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, तो A की जगह अंडर रूट ऑफ 100, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपको डेल्टा L निकालना है तो A की पावर कितनी है हाफ। अब एक्सपोनेंट क्या है हाफ, एक्सपोनेंट का रूल क्या है डेल्टा एल बाई एल इज हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ई, वो रूल तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। देखो एक्सपोनेंट का रूल कभी फेल नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट का रूल क्या है, जैसे अगर ए बी के इक्वल है तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी, हम ऐसा लिख सकते हैं, बात खत्म। क्लियर है? हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है। तो अब इस केस में इसकी तो पावर फिर भी हाफ है, तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा डेल्टा एल बाई एल इज हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसमें डेल्टा ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 2, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 100, तो डेल्टा ए की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे 2, ए की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे 100, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा डेल्टा एल, क्योंकि एल की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं कितनी 10, तो यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा एल, तो L भी आ गया डेल्टा L भी आ गया आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेन चीज ये है जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? फ्रैक्शन सेम रहेगी? नहीं 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 ऐसा 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 नहीं नहीं जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए, दो एक्सपेरिमेंट में आपने कहा सर डेल्टा ए तो 0.1 है, डेल्टा बी तो मान लो 0.4 है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 17 है, अब करो प्रूफ। ना ना, अगर एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन से अगर मैं एरर्स के उनके रेशियो निकालूं तो वो रेशियो बराबर आएंगे। जैसे मान लो ये फॉर्मूला गिवन है, अब इस फॉर्मूले में इसकी पावर क्या हाफ है,
अब ये फॉर्मूला आ गया। अब आप कल को मुझे कहोगे कि सर देखो डेल्टा ए तो 0.1 है, ये मान लो 0.10 है, ये 100 है, ये 1 लाख है, तो देखो रेशियो बराबर नहीं आई। नहीं, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते। अब आप ये जो मेथड है वो कब लगता है, जब आपको एक टर्म गिवन है और आपको रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म निकालनी है और ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो तब लगा सकते हो। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ए इज इक्वल टू बी है तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी है, तो यानी कि आपको डेल्टा ए बाई ए की रेशियो गिवन है तो वही रेशियो डेल्टा बी बाई बी की होगी क्योंकि ए बी के इक्वल गिवन है, तो ऐसा कुछ आपने इस पर रूल लगाना है, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में डाउट एट्थ में रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर्स गिवन है, तो ये क्या गिवन है आर, और ये क्या गिवन है डेल्टा आर, ये क्या गिवन है एच, तो ये क्या गिवन है डेल्टा एच, तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर, एच प्लस माइनस डेल्टा एच। क्या निकालना है, वॉल्यूम विद एब्सोल्यूट एरर, तो वॉल्यूम विद एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, वी प्लस माइनस डेल्टा वो निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो एक बार वी की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी और एक बार उसमें क्या निकलेगा, एरर निकलेगा, तो ये करेक्ट वैल्यू है और ये एरर है, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो जब करेक्ट वैल्यू निकाल रहे होंगे और एरर नहीं निकाल रहे होंगे, फिर पाई को आपने इंक्लूड करना है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की करेक्ट वैल्यू कितनी है 2.42, एच की करेक्ट वैल्यू कितनी है 7.56, तो 3.14 आर की वैल्यू पुट किया, एच की वैल्यू को पुट किया, तो सॉल्व करके क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। कोई डाउट इसमें, 139. ओके, लिख लेना 139.02 लिख लो, कोई बात नहीं, मैंने अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया, 139.0 को छोड़ दिया मैंने, ठीक है यहाँ तक, हाँ 02 लिख लो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम में क्या निकालना है, एरर, फिर से लिखें फॉर्मूला। अब एरर का मतलब डेल्टा वी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी, पाई में एरर डेल्टा होता ही नहीं, तो ये अपने आप उड़ जाएगा, 2 डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एच बाई एच। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आपको डेल्टा आर और आर पता है, आपको डेल्टा एच और एच पता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सॉल्व करके क्या आ गया, डेल्टा वी। क्या स्टेप क्लियर है, तो एक तरफ से वी आ गया, एक तरफ से डेल्टा वी आ गया, वी की जगह वी, डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी, आंसर। कोई डाउट इसमें, मेथड सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेज वाला क्वेश्चन है, कितने लोगों को इसमें डाउट है, रेजिस्टेंसेज वाला याद है, सीरीज एंड पैरेलल। देखो इसमें आपको दो रेजिस्टेंसेज गिवन है, एक आर वन और ये क्या गिवन है डेल्टा आर वन, आर टू और ये क्या गिवन है डेल्टा आर टू, ठीक है। वो सीरीज में लगाओ रेजिस्टेंसेस को, जब सीरीज में लगाओगे और पैरल में लगाओगे आपको कौन सा एरर निकालना है, परसेंटेज। जबकि हमने क्या निकाला था, हमने ये आर वन आर टू लिखा विद एरर, सीरीज के अंदर दो रेजिस्टेंसेस आपस में क्या होती हैं, ऐड। तो आप सोचो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप इस टर्म और इस टर्म को ऐड करेंगे तो करेक्ट वैल्यू में ऐड होके आंसर क्या देगी, 25, और एरर एरर में ऐड देके आंसर क्या देगा, 0.3, तो एक आंसर तो आ ही गया, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। ये मेरा प्रेजेंटेशन किसमें है, रिप्रेजेंटेशन किसमें है, एब्सोल्यूट एरर में है। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आपको एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, 0.3 को 25 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो कौन सा एरर आएगा, रिलेटिव। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 0.3 को किससे डिवाइड किया, 25, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। हाँ, ये मैंने एब्सोल्यूट एरर में निकाल दिया, जबकि निकालना किसमें था, परसेंट में, तो मुझे ये स्टेप साथ में इंक्लूड करना चाहिए था। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, मैक्सिमम या मैक्सिमम परमिसिबल एरर ही होते हैं सारे, मिनिमम होते ही नहीं है, तो ये टर्म यूज करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो यही है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है क्या निकालना है, पैरल कॉम्बिनेशन। पैरल में पैरल का फॉर्मूला यूज किया और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आर वन प्लस आर टू की जगह क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है तो आर पी निकालने की जरूरत ही नहीं है,
परसेंटेज निकालने के लिए रूल लगाओ, डेल्टा आर पी बाई आर पी, डेल्टा आर वन बाई आर वन, डेल्टा आर टू बाई आर टू, डेल्टा आर एस बाई आर एस। 100 से दोनों साइड्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके डेल्टा आर वन की वैल्यू पता है, आर वन पता है, डेल्टा आर टू पता है, आर टू पता है, और डेल्टा आर एस भी पता है और आर एस भी पता है। ये देखो डेल्टा आर एस और आर एस पता है। सॉल्व करके क्या जाएगा, सीधा परसेंटेज एरर। तो इसमें आपको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपल फॉर्मूला लिखें, उसका रूल लगाएं और फिर सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस ठीक है ठीक ओके। ये क्वेश्चन कितनों का हो गया? हो गया। देखो इसके अंदर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आपको डिटेल में भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। इज गिवन बाय दिस सिंबल, इस सिंबल का नाम है ईटा, ई टी ए ईटा। तो अल्फा बीटा गामा ईटा डेल्टा ये रो ये सब फिजिक्स के टर्म्स हैं। तो इसका नाम क्या आज याद कर लिया हमने, ईटा। तो ये थोड़ा एन की तरह ही लगता है, एन एक तरफ ये एस है एन लंबा है एक तरफ से ईटा। तो ईटा का ये फॉर्मूला गिवन है, इसके अंदर क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, पी आर वी और एल। आपको इस क्वेश्चन में पी गिवन है, आर गिवन है, वी गिवन है और एल गिवन है, दे दिया। फिर आपको इसमें क्या गिवन है, आपको इसमें एरर्स गिवन है, एक्यूरेसी ऑफ का मतलब सारे एरर्स गिवन है। एरर्स का मतलब डेल्टा पी डेल्टा आर डेल्टा वी और डेल्टा एल गिवन है। तो एक तरफ आपको चारों की वैल्यूज गिवन है और फिर चारों के क्या गिवन है, एरर्स भी गिवन है। कोई डाउट इसमें? चारों की वैल्यूज गिवन है और चारों के एरर्स गिवन है, कोई डाउट? क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? आठों वैल्यूज गिवन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन ईटा। तो ईटा का हमने फॉर्मूला लिख लिया, रूल लगाएं, डेल्टा ईटा बाय ईटा, पाई और एट दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनके डेल्टा क्या होंगे, जीरो, क्योंकि डेल्टा कैसे होंगे, चेंज होगा ही नहीं, तो पाई और एट को छोड़ देंगे। तो क्या आएगा, डेल्टा पी बाय पी प्लस टू इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा कैपिटल एल बाय कैपिटल एल। तो क्या ये रूल क्लियर है? तो ये रूल लगा लिया, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको डेल्टा पी पी चाहिए, ये देखो डेल्टा पी पी है, डेल्टा आर आर चाहिए, डेल्टा आर आर आ गया, डेल्टा वी वी चाहिए, डेल्टा एल एल चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कैलकुलेशन आपने करनी है, मेथड सब बोलो। ये एरर नहीं है, ये जो बंदा कर रहा है एक्सपेरिमेंट ब्लंडर कर रहा है। 116% का एरर का मतलब है कि मतलब 10 मीटर की लेंथ को कह रहा है 10 मीटर से ज़्यादा एरर है। ये क्वेश्चन की कुछ गलत वैल्यूज हो चुकी हैं शायद, कुछ वैल्यूज गलत गिवन है, पर जो है मैंने आंसर निकाल दिया, पर इतना एरर आता नहीं है वैसे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मेथड समझ में आ रहा है सबको कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें मेथड में? ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्लियर है? ठीक ओके। इसके बाद एक और भी इसमें क्वेश्चन था, एक सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन था, यही था ना? हाँ, ये हमने शीट में भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है। तो मैंने लिख ली वैल्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने के बाद वो कह रहा है कि इसमें मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो इन सबका क्या ले लेंगे, एवरेज। एक आंसर याद है बताया था, फिर हर वैल्यू में एरर कितना है, तो 1.54 में से 1.51 को माइनस, तो एब्सोल्यूट एरर आएगा फर्स्ट कैलकुलेशन में। 1.53 में से 1.51 तो एब्सोल्यूट एरर आएगा सेकेंड कैलकुलेशन में से, ऐसी थर्ड फोर्थ और, तो सबका मैंने लिखा नहीं पर यहाँ डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको, तो ये डिफरेंस का आंसर आएगा।
फिर वो कहेगा मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एरर निकालो, एरर का मीन निकालो, तो जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे उनका एवरेज लेना पड़ेगा तो ये आंसर आएगा। फिर वो कहेगा रिलेटिव एरर निकालो, रिलेटिव एरर में इसको और इसको क्या कर देना है डिवाइड, तो रिलेटिव एरर आएगा। रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर निकालो, तो इसको 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज एरर आएगा। फिर वो कहेगा कि अपनी इस कैलकुलेशन की वैल्यूज को लिखो विद एब्सोल्यूट एरर विद परसेंटेज एरर, तो आपका जो करेक्ट आंसर है 1.51 है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.0433, तो आप आंसर को कैसे लिखेंगे 1.51 प्लस माइनस 0.433। वो कहेगा सेम आंसर लिखो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, तो करेक्ट आंसर कितना है 1.51 और इसमें परसेंटेज एरर कितना है 2.86%, तो करेक्ट वैल्यू के साथ क्या लग जाएगा परसेंटेज एरर। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अपनी शीट में जो है डिस्कस ऑलरेडी किया था। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे इन कैलकुलेशंस को किया, कितने लोगों ने कर लिया था, ये कर लिया था, समझ में आ रहा था आप लोगों को, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को कोई डाउट, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव शीट थी, ये रही ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2। कितने लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट में डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो आज हमने टाइम पीरियड वाला किया, अब वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर 100 ऑसिलेशंस गिवन है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब आप परसेंटेज एरर निकालते हैं तो जहां पर आप टाइम में इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एक्यूरेसी गिवन है यानी कि डेल्टा एल गिवन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम कर लेना नहीं तो आंसर नहीं आएगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए जबकि गिवन एमएम में है। फिर वो क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड 90 सेकेंड है और 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, तो टाइम पीरियड 90 है और कितना एरर है 1 सेकेंड है, जी का परसेंटेज एरर निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करके जी एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ करेंगे, एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी बाई जी, कॉन्स्टेंट में एरर नहीं है, डेल्टा एल बाई एल 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, तो यहाँ से डेल्टा एल और एल, डेल्टा टी और टी, ये चारों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन चारों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एरर आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज एरर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये सेम क्वेश्चन है टाइम पीरियड वाला जो मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 जितने लोगों ना, कितने को 2 में डाउट है, डाउट ओके। हाँ, इसका आंसर ना 5.2 नहीं है, ये राइट राइट, इसका आंसर मैंने ना 0.2 जोड़ दिया, यहाँ प्लस 2 आएगा, प्लस 2, इसका आंसर ना 7% है, राइट, तो कितनों का 7% आ गया था, आ गया था, ओके ठीक है। डाउट इसमें हो जाएगा, ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जाता कुछ नहीं है, हमने कौन सा बोर्ड पे टीचर ने सॉल्व करना है यहाँ पे, तो फटाफट डिस्कस ही तो करना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3, ये सब्जेक्टिव जैसा था अभी किया था हमने, जो 3 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 कितनों का हो गया, 4 11.1 आ रहा है, 11.1 आ रहा है कि 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके पता नहीं, अब अच्छा हाँ 11 एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, ये तो मैं मानता हूँ, पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन भी चलाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर मार्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक? तो जरूरी नहीं है कि 11 ही आएगा पूरा, 11.3 आया, 11.2 आया, तो भी 11% ही मार्क करेंगे इसमें, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, सबका हो गया डाउट, तो इसमें परसेंटेज एरर इन मास, तो आपको क्वेश्चन के अंदर मास एंड स्पीड में परसेंटेज एरर गिवन है, परसेंटेज एरर इन मास को क्या लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितने परसेंट है, 2% है, एंड स्पीड के अंदर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितने परसेंट गिवन है, 3% गिवन है,
तो परसेंटेज एरर मास में पता है, परसेंटेज एरर वी में पता है, आपको परसेंटेज एरर किस में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें, ये रही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में रूल लगा लें, परसेंटेज निकालने के लिए डेल्टा के बाई के हाफ में तो इसका तो डेल्टा होगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा इसे, डेल्टा एम बाई एम टू इंटू डेल्टा वी बाई वी, 100 से दोनों साइड्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो इसमें मास का परसेंटेज एरर गिवन है 2% और वेलोसिटी का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3%। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 8%। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ में डाउट, सिक्स्थ में एक्सपोनेंट रूल है सिर्फ, x इक्वल टू a की पावर n, डेल्टा x पर x निकालना है तो लगाओ एक्सपोनेंट रूल क्या आएगा, डेल्टा x पर x इज n इंटू डेल्टा a बाई a। तो ये टर्म है, आप कहेंगे प्लस माइनस कैसे, एक्चुअल में जो एरर होता है वो एक्चुअल में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं, हम नहीं लगाते, बट एक्चुअल में जो एरर्स होते हैं वो प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में और ऑप्शन गिवन है प्लस माइनस के साथ, तो आपको यही मार्क करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7th में, लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है 2.53 एंड दैट ऑफ अदर इज 1.27। तो आपको एक लेंथ गिवन है, आपको दूसरी लेंथ भी गिवन है। लीस्ट काउंट इज गिवन 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट का मतलब एरर होता है, डेल्टा एल दोनों में 0.01 सेंटीमीटर है, तो जो मशीन है उसके अंदर लीस्ट काउंट होता है, हम देखेंगे इसमें आने वाले टाइम में। तो लीस्ट काउंट पहले लेंथ में भी गिवन है और दूसरी लेंथ में भी गिवन है, तो यानी जब आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे पहली लेंथ में तो भी 0.01 है, दूसरे में भी 0.01 है, जब हमने इन दोनों लेंथ को जोड़ दिया तो नई लेंथ क्या बनी। तो देखो एक्चुअल लेंथ को तो आप ऐड ही करोगे ना, ये मान लो फर्स्ट लेंथ है 2.53, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, सेकेंड लेंथ है 1.27, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, दोनों में 0.01 है। जब आप इन्हें मिलाएंगे कंबाइंड लेंथ का मतलब जोड़ दें, जब जोड़ेंगे मिलाएंगे तो ये लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी, लेकिन एरर भी आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आंसर। तो एक्चुअल लेंथ भी ऐड हो जाएगी और साथ में एब्सोल्यूट एरर भी सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, आंसर आ गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, जीरो पॉइंट टू सिक्स आ रहा है, ऐसा है क्या? अच्छा तो ऐसा है, ओके, डेसिमल पॉइंट्स का फर्क है कि आप कितना डेसिमल तक लेते हैं वहां तक आ रहा है, बट इट्स ओके, आप यहां से मार्क तो कर, अच्छा इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसमें आप पॉइंट टू मार्क करें या पॉइंट थ्री मार्क करें, दोबारा बोलें आपका क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसमें, अगर टू डेसिमल तक लेते हैं तो 0.26 और अगर थ्री डेसिमल तो 0.3, तो फिर ज़्यादा एक्यूरेट तो 0.3 के साथ ही जाएंगे, वैसे काफ़ी क्लोज ऑप्शन हैं, ज़्यादा क्लोज ऑप्शन हैं, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब इतना क्लोज है, अगर मान लो 2 डेसिमल तक करेंगे 0.2 आ रहा है और 3 के साथ 0.3 आ रहा है, अब इसका तो क्या ही फैसला करेंगे, इसकी तो वो लिमिट ही नहीं है, फिर 4 के साथ कुछ और आंसर आएगा, फिर क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो बॉर्डर लाइन केस है, तो 0.3 जो ज़्यादा एक्यूरेट है वही करेंगे और क्या करेंगे। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9th कितनों का हो गया, I²RT, हीट का फॉर्मूला I²RT, राइट, ओके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट, 10th हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, ठीक 10, ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है डन, क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आपको एक काम करना है, एक शीट मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी व्हाट्सएप पे आ रही है शीट,
ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं, और जो ऑफलाइन है उनको ऑब्जेक्टिव शीट नंबर वन ओपन करें। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर वन 10 मिनट है आपके पास, स्टार्ट करें और देखें कितने करेक्ट होते हैं आपके 10 मिनट में। स्टार्ट करें, ऑनलाइन वालों को भी दे रहा हूँ मैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे आ गई है ग्रुप पे, स्टार्ट करो प्लीज़ असाइनमेंट।
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं ना? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, यस अभी डिस्कशन होएगी, ट्राई कर लो। ठीक है, देखो देखो, इससे पहले मैं आगे भूल जाऊं, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आपका 15 मिनट्स का क्लास के बाद टेस्ट है डिफरेंशिएशन का। बस चार क्वेश्चन दूंगा, ओनली डिफरेंशिएशन। उसके नेक्स्ट टाइम जब आओगे ओनली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। उसके नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो एरर्स, बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ काम भी तो करना है, अब दिखाना भी तो है कि कुछ आया कि नहीं आया, तो थोड़ा थोड़ा करके अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। हाँ, अगली क्लास में, क्लास तो पूरी होगी, ग्रुप पे डालूंगा 15 मिनट का टेस्ट, मतलब आपको थोड़ा लेट जाना पड़ेगा, 10 मिनट लेट। मैं 7:05 पे स्टार्ट करूँगा, 7:20 पर मैं से ख़त्म कर दूँगा, मतलब 3-4 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं है, जस्ट मुझे देखना है कि वो स्टेप्स आए कि नहीं आए, बेसिक, और रिवाइज करके आना, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन जिन्होंने नहीं की वो बाद में देंगे, वो क्लास तो लगाएंगे लगाएंगे, पर टेस्ट बाद में लूँगा उनका मैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिन्होंने कर ली वो देंगे, जो लेट ज्वाइन किया कर ली डिफरेंशिएशन वो भी देंगे, ठीक? तो क्लियर है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस यस। इस शीट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी प्लस माइनस डेल्टा वी आपको गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, रेजिस्टेंस आर प्लस माइनस डेल्टा आर, सॉरी करंट आई प्लस माइनस डेल्टा आई भी गिवन है। ये रहा, आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है विद एरर। तो आप इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लिया, अब क्योंकि आपको आर प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना है तो दो बार करना पड़ेगा, करेक्ट और एरर, तो फॉर्मूला दोनों में सेम है। करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए करेक्ट वैल्यू ऑफ वी अपॉन करेक्ट वैल्यू ऑफ आई, तो आंसर 8 आ गया। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मैंने सब्जेक्टिवली किया है पर आपको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं देख रहा आपने कैसे किया, आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे ही आंसर 8 आया ऑप्शन में जाएंगे, इलिमिनेशन साथ साथ करेंगे, साथ की साथ इस पर क्रॉस कर देंगे कि आंसर हो नहीं सकता, 10 तो हो नहीं सकता, 8 ही आएगा, तो या तो आंसर ये या आंसर ये। नन मैंने दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन वैसे बता दूं आपको मेंस और नीट में नन नहीं आता, नन ऑप्शन नहीं आते, आपको चार पक्की ऑप्शन गिवन होंगी, चारों में से एक ऑप्शन मार्क करना, तो इलिमिनेशन चलती है, तो नन में तो देखना पड़ता है ना कि बिल्कुल एंड टू एंड देखना पड़ेगा, पर नन नहीं आती, ठीक है? तो ये दो ऑप्शन रह गए, तो अब अपने को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा डेल्टा आर के लिए, तो डेल्टा आर के लिए डेल्टा आर बाय आर इज डेल्टा वी बाय वी डेल्टा आई बाय आई, तो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8, तो डेल्टा वी और वी पता है, डेल्टा आई और आई पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, डेल्टा आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक था? ठीक है, ये ठीक होना चाहिए था, हमने किया इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है? तो आपको क्या करना है, रेडियस गिवन है आर प्लस माइनस डेल्टा आर दिया है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम का परसेंटेज है। अब आपको टेबलर फॉर्म यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, आप दो बार क्यों करेंगे, परसेंटेज एरर में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा वी बाई वी 4/3 पाई में कोई डेल्टा होता ही नहीं है, तो 3 डेल्टा आर बाई आर, क्लियर है? तो आपको इसमें डेल्टा आर भी पता है और आर भी पता है, तो 3 डेल्टा आर बाई आर 100 करके क्या आएगा, 5.6%। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये भी क्लियर है, तो कैसे निकालना है आंसर समझ में आ रहा है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स गिवन है, तो डायमीटर जो शीट होती है ना, बहुत पतली शीट जो होती हैं, उन शीट्स का डायमीटर या थिकनेस निकालने के लिए एक इक्विपमेंट यूज होता है फिजिक्स में लैब में, उस इक्विपमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। वो कैसे काम करता है वो बाद में सिखाएंगे, पर वर्नियर कैलिपर आप लैब्स में आपको सिखाएंगे स्कूल जाके, तो वर्नियर कैलिपर यहाँ पर मुझे चाहिए नहीं है,
मुझे सिंपल मैथ चाहिए कि दो डायमीटर मुझे गिवन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो बाहर के दो, एक क्योंकि थिक है, थिक का मतलब कि ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। तो अगर आप इसकी थिकनेस निकालना चाहते हैं, थिकनेस होती क्या है, थिकनेस होती है ये मोटाई, ये थिकनेस, ये रही। तो अगर आप आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, थिकनेस। क्या पॉइंट क्लियर है? तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करके क्या आएगी, थिकनेस। पर आपको क्वेश्चन में डायमीटर्स गिवन है, आपको रेडियस तो गिवन नहीं है। तो एक काम करें, आप सबसे पहले इस डायमीटर, ये देख रहे हो ये आउटर डायमीटर या इनर डायमीटर, आप सबसे पहले इसे डिवाइड बाई टू कर दें तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो आइए देखो, मैंने इसे 4.23 बाई टू, एरर को भी डिवाइड करना पड़ेगा बाई टू, तो इसको मैंने मान लिया आर टू, तो इसको मैंने मान लिया डेल्टा आर टू। सिमिलरली जो दूसरा रेडियस है वो आर वन मान लिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया बाई टू, इसको मैंने डिवाइड किया बाई टू, तो ये मेरा इनर रेडियस आ गया, यानी कि ये क्या आ गया 3.89 बाई टू आर वन, और इसको डिवाइड करेंगे बाई टू तो क्या आ गया, डेल्टा आर वन। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया आर टू डेल्टा आर टू, ये मेरे पास आ गया आर वन डेल्टा आर वन, कोई डाउट इसमें? रेडियस आ गए, तो क्या करना है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस, तो ये नंबर तो इसमें से माइनस हो जाएगा, पर एरर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि जो दो नंबर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके एरर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो जब मैं इन्हें माइनस करूँगा, थिकनेस में आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करूँगा, तो ये और ये तो आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। हमने डिस्कस किया था जब दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर आपस में ऐड हो जाते हैं, कोई डाउट इसमें? तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन एरर्स आपस में ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है, कैसे निकालनी है, थिकनेस समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। ठीक है, तो डायमीटर में से डायमीटर ना करें, जब आप डायमीटर में से डायमीटर माइनस करते हैं तो आपके पास पता है क्या आएगा, इसमें से इसे माइनस करके ये डबल थिकनेस आएगी, क्योंकि इधर से भी थिकनेस आ जाएगी और इधर से भी आ जाएगी। तो फिर अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, डायमीटर में से डायमीटर माइनस कर दें, लेकिन जो आंसर आएगा उसको फाइनली फिर टू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि दो थिकनेस तो ना लोगे, सिंगल थिकनेस लोगे, एक तरफ से लोगे, तो आंसर को डिवाइड बाई टू करेंगे तो भी एक ही बात है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक है, ठीक। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, ये प्लस टू का क्वेश्चन है, कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटेंस सी पता है, डेल्टा सी पता है, इसके यूनिट्स माइक्रो, ये टर्म माइक्रो फैरेड, इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको क्या करना माइक्रो फैरेड का, आपको नहीं चाहिए, आपको सी प्लस माइनस डेल्टा सी पता है, आपको वी प्लस माइनस डेल्टा वी पता है, आपको चार्ज निकालना है क्यू, और फॉर्मूला वो आपको दे ही रहे हैं, चार्ज क्यू क्या होता है, सी इन टू वी, तो आपको सी प्लस माइनस डेल्टा सी पता है, आपको वी प्लस माइनस डेल्टा वी पता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, आप इसमें सी और वी को मल्टीप्लाई करके फोर करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, दो ऑप्शन वैसे इलिमिनेट हो जाती हैं, और फिर डेल्टा क्यू निकालने के लिए डेल्टा क्यू बाई क्यू इज डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई वी। आपको क्वेश्चन में डेल्टा सी सी पता है, डेल्टा वी वी पता है, और यहाँ से आप क्यू भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा वी कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ, कितना आ रहा है, 0.6, हाँ 0.6 आ रहा है, राइट। तो करेक्शन कर लेना इसमें, आंसर 4 प्लस माइनस 0.6 करना। मेथड क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर निकालनी है, विद एरर निकालना है, यानी कि एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ निकालना है। क्या गिवन है, यू गिवन है विद एरर, यानी कि यू प्लस माइनस डेल्टा यू,
वी गिवन है प्लस माइनस डेल्टा वी, क्लियर है यहां तक? यू प्लस माइनस डेल्टा यू, वी प्लस माइनस डेल्टा, ये गिवन है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिरर का याद होना चाहिए, तो मिरर की फोकल लेंथ तो यू और वी आपस में कैसे रिलेटेड है, ये फॉर्मूला है। तो 1 बाई एफ इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, क्लियर है यहां तक? यहां से रीअरेंज करें, एलसीएम ले तो ये टर्म भी क्लियर है, वी इंटू यू बाई वी प्लस यू। आपको एफ निकालना है, आपको डेल्टा एफ निकालना है। एफ की करेक्ट वैल्यू तो आ जाएगी, कैसे? एफ की करेक्ट वैल्यू में वी की करेक्ट वैल्यू पुट करो, यू की करेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो वी की करेक्ट वैल्यू यू की करेक्ट वैल्यू पुट करके आपके पास एफ की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? 14.3। जैसे ही एफ आएगा एक बार ऑप्शन को नजर जरूर मारना, देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ए। आधा काम तो ऑप्शन ही कर देती हूँ ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है? पर प्रॉब्लम है नन है, साथ में नन ना होता तो कम से कम एलिमिनेशन हो जाता, पर मेरे टेस्ट में नन नहीं आएगा, पक्की बात है, मेरे टेस्ट में ऑप्शन आएंगी। तो दो तीन ऑप्शन तो वैसे, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। तो इन चेक करना पड़ेगा डेल्टा एफ। अब डेल्टा एफ निकालने के लिए एक काम करें, क्योंकि यहाँ पर टर्म मल्टीप्लाई और प्लस भी हो रही हैं, तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था पैरेलल का, आप डिनोमिनेटर को एक टर्म बना लें, वी प्लस यू को ऐसे मत लिखें, वी प्लस यू को क्या लिख लें? एक्स लिख लें। साइड पे लिख दिया मैंने, वेयर एक्स किसके इक्वल है? वी प्लस यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपने कुछ नहीं किया, आपने टर्म को ईजी बना लिया, आपने वी यू और तीन टर्म्स रख ली बस, एक वी एक यू और एक एक्स, और एक्स की वैल्यू को आपने क्या लिखा? वी प्लस यू, साइड पे लिख दिया आपने। अब आपको डेल्टा एफ निकालना है, अब दो मिनट इसको छोड़ दें। जब आप डेल्टा एफ का रूल लगाएंगे इस पे, तो क्या आएगा? डेल्टा एफ बाई एफ, यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा वी बाई वी, यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा यू बाई यू, और यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये आएगा डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा यू बाई यू और डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये स्टेप क्लियर है? अब डेल्टा एफ निकालने के लिए आपको एफ चाहिए, एफ आप निकाल चुके हैं ऊपर, कितना? 14.3। तो आप यहां पर देखो, तो आप यहां पर एफ की वैल्यू को यहां नीचे पुट कर दे, 14.3। डेल्टा वी और वी क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा वी वी गिवन है, डेल्टा यू और यू भी गिवन है। ये देखो, डेल्टा वी वी गिवन है, डेल्टा यू यू गिवन है। अब आपको क्या चाहिए? एक्स एंड डेल्टा एक्स। अब एक्स किसके इक्वल था? वी प्लस यू। जो एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? वी प्लस यू। वी कितने? 50.1 ये रहा, यू कितने? 20.1। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 50.1 और 20.1 70.2। तो एक्स आ गया आपके पास। डेल्टा एक्स क्या होगा? एक बात बताओ, एक्स क्या है? दो टर्म्स का सम, और जब दो टर्म्स ऐड होती हैं उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वी, इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा यू। डेल्टा वी डेल्टा यू ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 0.7 0.2, ऐड करके क्या आएगा? 0.7। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब आपने डेल्टा एक्स भी निकाल दिया, एक्स भी निकाल दिया, ये टर्म ऑलरेडी थी, ये भी थी, सॉल्व करके क्या आ गया? डेल्टा एफ आ गया। तो फिर से देखो एक बार, आपको यू और वी विद एरर गिवन है, आपको एफ में एरर निकालना है। एफ का फॉर्मूला लिख लिया, एफ की करेक्ट वैल्यू पहले साइड पे निकाल ली, यू की करेक्ट वैल्यू वी की करेक्ट वैल्यू पुट करके एफ आ गया, कितना आ गया? 14.3। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? तो एफ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है डेल्टा एफ निकालने के लिए, वी और यू के डिनोमिनेटर में वी प्लस यू है, उसकी जगह क्या लिख लिया? एक्स। फिर एरर का रूल लगाया, डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा यू बाई यू, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये रूल भी आ गया। इसके अंदर डेल्टा वी वी डेल्टा यू यू तो पता था, एक्स किसके इक्वल था? वी प्लस यू। वी और यू की करेक्ट वैल्यूज है मेरे पास, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? एक्स में एरर, क्योंकि एक्स वी और यू के एडिशन से आ रहा है, तो डेल्टा एक्स भी डेल्टा वी और डेल्टा यू के एडिशन से आएगा, क्योंकि दो टर्म जब ऐड होती हैं उनके एरर भी आपस में ऐड होते हैं। तो डेल्टा वी डेल्टा यू पता है, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, एक्स आ गया, वैल्यू पुट करके डेल्टा एफ आ गया। क्या आपको ट्रिक समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते करते आधा पेपर तो निकल ही जाएगा यार। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा
कई बार आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है यार, मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आते, कभी कभी ऐसा फंसा लेता है यार वो। बट आपके पास 2 साल हैं अब, ठीक, आपने 2 साल बहुत बड़ा मैथ्स करना है यार, ये चीज़ें आपके लिए छोटी हैं। आप मानो मेरी बात, आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेथड आता होगा ना, नॉन मेडिकल स्टूडेंट को इतना मैथ सिखा दिया जाएगा कि उसका क्वेश्चन सही होगा, होगा कैलकुलेशन से गलत नहीं होगा, पक्की बात। खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता ना करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। 1.4 आ रहा है इसका आंसर? नहीं यार, ऑप्शन तो ये 1.4 आ रहा है, हो तो नहीं सकता यार, 0.4 ही आएगा मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है आंसर ये कल पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कैसे किया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है मैं मानता हूँ। फिर से चेक कर लो। ऑनलाइन वालों ने चेक किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.4 या कुछ और आ रहा है, एक बार चेक करें, कैलकुलेटर से चेक कर सर लें। 0.4 ही आ रहा है। 0.4 आ रहा है। यस सर। 0.4 है। ठीक है, ठीक है, ओके। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6, पता ही है मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर ही बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दो वैल्यूज के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर क्यू की वैल्यू गिवन है तो डेल्टा एक्स निकालो। एक्सपोनेंट का रूल चेक कर रहा है, बोलो क्या आएगा, इधर देखो, डेल्टा क्यू बाई क्यू, यहाँ से क्या आएगा, एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एम इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। और क्योंकि एरर प्लस माइनस में होते हैं तो आगे क्या लगा दिया उसने, प्लस माइनस, तो एरर का रूल, एक्सपोनेंट का रूल सबको समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑप्शन बी होगा। ओ अच्छा, क्यू भी है, सॉरी, ओके, राइट राइट, ऑप्शन इसमें ए नहीं होगा क्योंकि डेल्टा क्यू बाई क्यू था, क्यू मिसिंग है इसमें, राइट, तो ऑप्शन बी कर ले प्लीज, क्योंकि क्यू यहाँ चला गया, राइट, सही है, क्लियर है यहाँ तक, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 हो गया, मास और डेंसिटी वाला क्वेश्चन है सेम। इसमें आपको मास एंड वॉल्यूम का परसेंटेज एरर गिवन है, तो ये मास का परसेंटेज एरर है और ये वॉल्यूम का परसेंटेज एरर है, आपको किस में निकालना है, डेंसिटी में। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा वी बाय वी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास में और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर गिवन है, पुट करके आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो इस शीट के बाद, हाँ ये क्वेश्चन और भी है, ओके, तो ये एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये तो पिछली शीट का ही क्वेश्चन है, डेल्टा एच बाई एच टू इंटू डेल्टा आई बाई आई और डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 19 कैसे किया, नेगेटिव पावर नहीं रखनी, पहले ने क्या बनाना है, पॉजिटिव, फिर क्या लगाना है, एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा एक्स बाई एक्स, 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एम बाई एम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस। जब मैंने आपको ये शीट दी थी
तो मैंने आपको कहा था कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं 10 मिनट या 12 मिनट में, वो ट्राई करो। काफ़ी लोगों की एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, मतलब एक लीनियर अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर वो फोकल लेंथ वाला फंस गया ना तो मतलब ही नहीं है कि अगले क्वेश्चन में चल पाएँ। छोड़ेंगे नहीं पर अगले क्वेश्चन में जाएंगे नहीं, बजाए कि 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे अगले, पर वो क्वेश्चन तो हो ना हो वहीं बैठे हैं। ये कंपटीशन की अप्रोच नहीं होती। जब आपको कहा कि मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपसे मैंने सिर्फ ये पूछना है एंड दी एंड, आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम किए। मैंने ये नहीं पूछना किसने फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन किए। फ़र्क है ना, मेरे को क्या लेना देना, मत करो फोकल लेंथ वाला, बाकी तो करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यही ऑब्जेक्टिव जब आप पेपर देंगे तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आप ये अप्रोच नहीं रख सकते कि सारे क्वेश्चन मैं करूंगा ही करूंगा। तो आपको ये अप्रोच रखनी है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है और मुझे लग रहा है इसमें 10 मिनट लगेंगे और मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को एंड में कर लें। जब हम ऑनलाइन करेंगे प्लेटफॉर्म, उस पर लिखा होता है मार्क एंड रिव्यू। रिव्यू का मतलब मैं बाद में देखूंगा, ये मेंस के अंदर भी ऑप्शन होती है और जो नीट वाले हैं उनका ऑफलाइन टेस्ट है, उनमें तो वो सर्कल वैसे ही पेंसिल से कर सकते हैं कि बाद में देखूंगा, वो तो पता ही है। पर कंप्यूटर बेस्ड पेपर पे उस पर लिखा होता है कि मार्क की लेटर रिव्यू करूँगा, तो फिर उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक पे स्ट्रिक नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी मैक्सिमम देनी है। क्लियर है? अभी आपको आदत नहीं है, लेकिन जब जब आप टेस्ट देंगे आपको अपने आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ एरर्स का चैप्टर क्या होता है, ख़त्म। ठीक है, तब आपका कैलकुलस हो गया, एरर्स हो गया, नहीं मोशन नहीं, मोशन इसलिए नहीं, मोशन एक बार स्टार्ट हो गया 15 से 20 दिन मोशन ख़त्म नहीं होगा, रात्र एक महीना नहीं ख़त्म होगा मोशन। तो एक उस चक्कर में बेचारा, एक छोटा चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये भी बेचारा रह जाएगा, महीने बाद बारी आएगी। और जब आप स्कूल ओपन करेंगे आपके, तो सबसे पहला चैप्टर जो करवाएंगे वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो किसने पूछा मोशन आता है नहीं आता, वहाँ क्लास में मुंह देखोगे यार यूनिट्स ही नहीं आता। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स। 3 लेक्चर का काम टोटल, एरर जैसा ही है टोटल, इससे भी आसान है एरर, तो फिर दो दो फॉर्मूले हैं इसमें, तो तरीका ही एक है, कुछ करना ही नहीं है। तो एरर्स की तरह ये भी एक आसान चैप्टर है और ये स्कूल में आता है, कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, मेन्स में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें इसको करने के लिए आपको रजिस्टर लेना पड़ेगा, ये प्रिंटेड नहीं है मेरे पास, ये भी टोटल प्रैक्टिस है कैलकुलस की तरह, इसका भी कोई इलाज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता मैं शीट दूँ ये लो फॉर्मूले याद कर लो, इसका भी कोई इलाज नहीं है, ये करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है,